सुप्रभात, नमस्कार। कितना आनंद आ रहा है। आज कितने पुराने चेहरे हमारे बीच आकर बैठे हैं। मैं हर बार एक ही बात कहता हूं कि हम सब जितने संगीत सुनने वाले हैं वो सब एक परिवार के सदस्य हैं। एक परिवार है, ऑल म्यूजिक लविंग पीपल दे बिलोंग टू वन फैमिली। और उस परिवार के सदस्यों में से जब कोई बहुत दिनों के बाद कोई मिलता है तो इतना आनंद आता है कि आप पूछिए मत। आज मेरे मित्र जयंत पाठक आए हुए हैं बहुत दिनों के बाद, योगेश भाई आए हुए हैं, कई सारे मित्रों, कई सारे ऐसे चेहरों को मैं देख रहा हूं जो इतने सालों के बाद आप आ रहे हैं। सुबह आना परीक्षा है, हर किसी का 9 बजे हॉल में जमा हो जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब मैंने समय दिया 9 बजे का तो कम लोग होते हुए अपने कहा कि नहीं, जो समय है तो उसको शुरुआत करते हैं, जल्दी शुरू करेंगे तो कुछ अधिक संगीत सुन पाएंगे। आप सबों का हार्दिक स्वागत और त्योहारों के इस मौसम के लिए, सारे त्योहारों के लिए शुभकामनाएं। नवरात्रि बीती, दीपावली आ रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये दीपावली और उसके बाद का आने वाला नया साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो और संगीतमय हो। क्योंकि एक एक चिराग जो है, एक एक दीप, मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि वो प्यार के दीप हों, मोहब्बत के दीप हों, संगीत के दीप हों। बशीर बद्र साहब ने कहा भी है कि नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए मौसमों के गुलाब हैं, ये मोहब्बतों के चिराग हैं, इन्हें नफरतों की हवा न दे। ये मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। और जहाँ संगीत है वहाँ तो प्यार है ही, वहाँ मोहब्बत है ही, वहाँ किसी तरह के कलुष की, किसी तरह के और दुर्भावना की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो इन भावनाओं के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सबों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और इतनी सुबह आप लोग आ गए हैं ये दर्शाता है कि कितनी अच्छी बात है। किसी भी बड़े शहर में प्रातःकालीन सभाएं अब नहीं होती। बम्बई में प्रायः बंद हो गई हैं, दिल्ली में बिल्कुल नहीं होती, कोई आयोजित नहीं करता प्रातःकालीन सभा, पुणे वगैरह में होती हुई। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हमें प्रातःकालीन राग सुनने को मिल रहे हैं और उसका श्रेय कलाकारों को तो जाता ही है, आप लोगों को जाता है कि आप लोग इतनी जल्दी यहाँ आ पाते हैं। आपके सामने ओमकार दादरकर जी उपस्थित हैं, तालियों से इनका अभिनंदन करें। कुर्सी लगा दो, कुर्सी लगा दो, ये वहां लगा दो कुर्सी, वहां 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 कुर्सी लगा दो। स्वर, कहते हैं कि स्वर ईश्वर है और ईश्वर की आराधना या ईश्वर को जिस स्वर से हम पहली पूजा करते हैं, जो आदि स्वर है, वो है ओंकार। और स्वयं ओंकार जब आपके सामने ईश्वर की आराधना करने के लिए बैठा हो तो हम सोच सकते हैं आज क्या बात हो सकती है। ओंकार जी ने बहुत मेहनत से साधना की है और कर रहे हैं। मैं इन्हें कलाकार नहीं कहता हूँ, मैं इन्हें कला साधक कहता हूँ। साधना के पथ का एक निष्ठावान साधक, क्योंकि इसमें कोई मंजिल होती नहीं। आप जितना करते जाएं मंजिल उतनी दूर होती जाती है। कहीं मैंने पढ़ा था कि कुमार के गुरुओं में से, कुमार गंधर्व के गुरुओं में से एक थी अंजनी बाई मापसेकर। जब वो मृत्युशज्जा पे थी तो कुमार उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कुमार को कि कुछ सुनाओ। कुमार गंधर्व ने उन्हीं की सिखाई हुई भैरवी उनको गा के सुनाया।
कुमार गाए जा रहे हैं और वो रोई जा रही है, तो उनको माई कहते थे कि माई क्यों रो रही हो? तो कहे कि बेटा आज ये सारे स्वर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिन दिनों गले में सामर्थ्य थी उन दिनों इन स्वरों के दर्शन नहीं हुए, आज स्वरों के दर्शन हो रहे हैं तो गले में सामर्थ्य नहीं है इसलिए रो रही है। तो ये तो साधना है, साधना में आप जितना आगे जाते जाएं मंजिल उतनी ही दूर होती जाती है, इसलिए कोई इसमें मंजिल की परवाह नहीं करता। हाँ, माइलस्टोन्स आते जाते हैं इसमें। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यही बात इस कला साधक ओंकार के साथ है। सबसे पहले इन्होंने राम देशपांडे जी से सीखना प्रारंभ किया, थोड़ा सीखा, उसके बाद लगा कि नहीं, कुछ ज़्यादा एक मैच्योर्ड गुरु की आवश्यकता है। तो उसके ये संगीत रिसर्च अकाडमी कलकत्ता में श्री उल्हास करके सानिध्य में उनके साथ उनके घर में उनके पुत्रवत रह करके उन्होंने संगीत की साधना की, और वो साधना आज तक अनवरत इनकी चल रही है। मेरे ख्याल से बड़ौदा में सोलो प्रोग्राम इनका पहला है, इसलिए मैं चाहूँगा कि भरपूर तालियों से इसको आशीर्वाद दें। आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, आपके प्यार लेने आए हैं, और मुझे विश्वास है कि अपने अनिवर्चनीय गायन से, अच्छा अनिवर्चनीय गायन के लिए जितनी अपनी निष्ठा होती है थोड़ी सी ईश्वर की भी कृपा चाहिए होती है। तो ये नाद ब्रह्म का आशीर्वाद इनको है ही, आपका आशीर्वाद है, और इनकी ऑनेस्ट इनका जो एक प्रयास है वो है। ये बहुत कम हो गया है, कलाकार लोग जानते हुए ऑनेस्ट प्रयास नहीं करते, इसलिए मेरी नज़र ऐसे कलाकारों पर होती है जो आज भी ईमानदारी से गाने की कोशिश करते हैं, बाकी तो ईश्वर के हाथ में। हारमोनियम पर तन्मय जी आए हुए हैं, आप इन तन्मय पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर, 2-3 साल पहले जब कुमार मजदूर का कार्यक्रम हुआ था तो उसमें हारमोनियम संगत, अद्भुत हारमोनियम संगत इन्होंने दी थी। और उत्पल मुंबई से आए हैं, इनको तो आप सब जानते हैं, हर गायक कलाकार के चहेते तबला वादक हैं, रहने वाले बंगाल के हैं लेकिन अब बिल्कुल महाराष्ट्रियन हो गए हैं, मुंबई पुणे यही इनका निवास हो गया है। तो पूरी एक जो यंग पीढ़ी है वो यंग पीढ़ी आपके सामने में, युवा पीढ़ी आपके सामने में बैठी हुई है, गाने वाले सारे युवा कलाकार और सुनने वाले सारे रसिक श्रोता जो मैच्योर रसिक श्रोता हैं। तो अधिक विलम्ब न करते हुए, आज बहुत लोग मेरे ये आए हुए हैं, मैं सर्वेश माथुर साहब जो इतनी उम्र के बावजूद भी यहाँ सुनने आए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा, मेरे बड़े भाई हैं और मेरे गार्जियन हैं, मेरे अभिभावक हैं, अभी भी मुझे डांटते रहते हैं, तो उनसे प्रार्थना है कि आप सब कला रसिकों की तरफ से इनको पुष्प अर्पित करें। ओंकार दादरकर जी के लिए उत्पल दत्त, अब उत्पल दत्त से वो नाटक कलाकार मत समझिएगा, ये नाटक नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, और श्री तन्मय तानपुरे पर हमारे म्यूजिक कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हिमांशु जिगर जिगर भाई, धन्यवाद माथुर साहब, और बिल्कुल विलंब न करते हुए मैं ओंकार जी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने ओंकार से, अपने राग से, अपने स्वर से उस ईश्वर का आवाहन करें जिनके दर्शन आज हमें भी हों संगीत के माध्यम से। अच्छा बजाते हैं।
Yeah.
आप इतना गंभीर मुंह करके मत बैठिए, मुझे डर लग रहा है। मा मा नी गा मा दा मा नी गा मा प ग दा ग नी गा सा ग ग नी गा नी गा गा सा नी दा नी दा गा गा मा गा नी दा गा सा नी दा नी दा नी दा प मा गा मा दा नी मा दा नी सा गा मा दा मा दा नी मा दा गा मा सा प ग दा मा नी दा नी दा
Ma 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 ma